Hello everyone, so my name is Alok Kumar Tripathi and I'm selected income tax inspector through CHSL 17 batch with all India rank 17. ठीक है, so this is my profile, all you can see. तो जैसा कि हमने कल वीडियो डाली थी आई बी के ए एस ओ की जॉब प्रोफाइल के ऊपर, तो एक सबसे बड़ी पोस्ट जो एस एस सी की मानी जाती है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. आप देखोगे कि 10 में से 5, 20 में से 10, 50 में से 25 टॉपर्स की चॉइस यही पोस्ट रहती है. तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि इसकी जॉब प्रोफाइल को कवर किया जाए, क्या प्रमोशंस होते हैं, कैसी कैसी पोस्टिंग होती है, कैसा इसका काम होता है, वो कवर किया जाए. बट इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 5 इंस्पेक्टर्स को लेकर के. अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए जॉब प्रोफाइल की, उसमें आपको जॉब कंपेरिजन की उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको भी देख सकते हो आप प्रॉपर हर जॉब को कंपैरिजन के लिए. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, कैसे आपकी थ्रू आउट द जर्नी रहने वाली है. ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना. ठीक है, पहली बातें करते हैं. ठीक है, ये फोटो मैंने सिर्फ एज ए रेफरेंस लगा रखी है. आपको पता है कि ये रेड मूवी आई थी जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे ही बेस्ड है. ठीक है, ये पोस्ट रहती थी उस टाइम पे जॉइंट कमिश्नर की, अभी भी होती है जॉइंट कमिश्नर. और आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे रहना है. ठीक है, आप यहाँ पे नहीं ज्वाइन करने वाले, आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है. बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रमोशंस इसमें अच्छे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने का मौका मिलेगा. ठीक है, प्रमोशंस कैसे होते हैं वो हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल रिस्पेक्ट की. तो सबको पता है कि इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको किसी भी नाम की, किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. बस एक खुद में ही एक सफिशियंट टर्म है, आप बताते हो और पीपल सोसाइटी आपको अपने आप इज्जत देने लग जाती है. ठीक है, फिर हमने वैसे पहले वीडियो में बात करी थी रिस्पेक्ट इनसाइड और ऑफिस. ठीक है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है, आईडी का भी इज्जत होती है, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी ना होने की वजह से कुछ खास पावर आपके हाथों में नहीं होती जब तक आप इंस्पेक्टर रहते हो. बट आफ्टर द फर्स्ट प्रमोशन देर आर ड्रास्टिक चेंजेस. ठीक है, जिस दिन आप आईटीओ बनते हो तो आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और अगर आप वार्ड में पोस्टेड हो, वार्ड का मतलब जैसे छोटे जिले होते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के काफ़ी छोटे छोटे जिले जैसे संभल हो गया, रायबरेली हो गया आपका जहाँ से मैं हूँ, इसके साथ साथ में उन्नाव वगैरह हो गए, ये जो छोटे जिले होते हैं यहाँ पर वार्ड पोस्टेड हूँ, वार्ड पोस्टिंग होती है. तो वार्ड का जो हेड होता है वो आईटीओ ही होता है. तो आप पूरे ऑफिस के बॉस होते हो, आपको एक पर्सनल व्हीकल मिला होता है, पर्सनल आपको ड्राइवर मिला होता है. ठीक है, तो आईटीओ बनने के बाद आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. अभी आईटीओ में कैसी कैसी पोस्टिंग होती है वो हम आगे बात करेंगे. फिर आगे बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की. तो ठीक है, काफ़ी यही समझते हैं इसको कि आपका वर्क नेचर कैसा होता है. तो पहले हम पोस्टिंग की बात करेंगे आज. ठीक है, डिटेल में बात करते हैं. तो एक आपकी पोस्टिंग होती है असेसमेंट की. तो असेसमेंट में आपका आता है वार्ड पोस्टिंग. वार्ड का मतलब एक छोटा जिला होता है, जो छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे एक ऑफिस होता है, और एक ऑफिस में एक आईटीओ होता है, एक ही आईडीआई होता है, एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है और एक ही टैक्स असिस्टेंट होता है. दैट मीन्स कुल मिलाकर के चार ही ऑफिसर होते हैं. तो आप समझ सकते हो कि उस ऑफिस के अंदर आपकी इज्जत अच्छी खासी रहने वाली है. ठीक है, वार्ड के ऊपर आपका सर्कल होता है, सर्कल में आईटीओ के ऊपर आपका असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर भी आ जाते हैं. तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इन्फीरियोरिटी फील हो सकती है, बट वार्ड की पोस्टिंग बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो असेसमेंट में आपका मेन काम होता है असेस करना कि आपके इलाके के जो लोग हैं वो जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो वो टैक्स जमा कर रहे हैं, वो सही से जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो उन सबको चेक करना आपका काम होता है, ये होता है असेसमेंट का. एक होता है आपका नॉन असेसमेंट. तो नॉन असेसमेंट में आपका आता है ये काम, दैट मींस रेड मारने वाला काम आपका नॉन असेसमेंट में आता है. इसके अलावा जो हेडक्वार्टर्स की पोस्टिंग होती है वो भी नॉन असेसमेंट में आती हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई असेसमेंट और नॉन असेसमेंट की. तो आपको लगभग ये सीन होता है कि आपको 3 साल असेसमेंट में, फिर 3 साल नॉन असेसमेंट में, इसी तरीके से काम करना रहता है. ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो 4600 ग्रेड पे होती है. एक्स सिटी में लगभग 61,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको आती है. वाई सिटी में लगभग 56,000 के आसपास, 56-57,000 आती है. और जेड सिटीज़ में आपकी लगभग 53,000 इन हैंड सैलरी आती है 7th पे कमीशन के बाद में. ठीक है, बात करते हैं प्रमोशन की. तो लगभग 7 से 8 साल में, डिपेंडिंग ऑन योर जोन, साउथ में 6 साल में हो जाता है, कहीं कहीं पर 9 से 10 साल भी लग जाते हैं. तो उस टाइम पर आपका पहला प्रमोशन होता है आईटीओ की पोस्ट पर. ठीक है, आईटीओ की ग्रेड पे कितनी होती है, 4800 ग्रेड पे. ठीक है, और 4 साल बाद आप 5400 ग्रेड पे पर प्रमोट हो जाते हो. ठीक है, आईटीओ 4 साल बाद 5400 ग्रेड पे चला जाता है. आईटीओ के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है एज असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर उसके बाद असिस्टेंट डिप्टी जॉइंट एडिशनल कमिश्नर, और एडिशनल कमिश्नर के बाद आपका कमिश्नर की पोस्ट आपको मिलती है. एसएससी वाले जो मैक्सिमम पोस्ट पे जा पाते हैं वो एडिशनल कमिश्नर ही है. कमिश्नर बहुत कम ही लोग होंगे जो कि एसएससी ज्वाइन करने के बाद बन पाते हैं. ठीक है,
फिर आगे चलते हैं आप फैमिली लाइफ एंड स्टेबिलिटी की। तो काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ आपकी रहती है, आपकी 9 to 5 जॉब होती है, वीकली आपको 2 डेज ऑफ मिलती हैं। अपने वर्किंग आवर्स के अलावा बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं, कुछ ही स्पेसिफिक मंथ होते हैं जैसे दिसंबर होता है, उसमें ही आपको ऐसा होता है कि आप अपने फिक्स्ड आवर्स के अलावा भी कहीं अलग से कोई काम करते हो, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, छुट्टियाँ वगैरह भी आपको आराम से मिल जाती हैं। वर्कलोड आपका नॉमिनल रहता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर आपकी पोस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिगेशन में जब पोस्टिंग होती है तो आपको कई बार हफ्ते में एक एक रेड मारनी पड़ती है, और एक एक रेड में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, दैट मीन्स हफ्ते में 3 दिन घर से बाहर ही रहोगे, रेड मारते रहोगे, बट वहाँ आपकी पोस्टिंग परमानेंट नहीं होती, आप 2-3 साल के लिए रहोगे, फिर वहाँ से आपकी पोस्टिंग चेंज कर दी जाती है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी लाइफ रहेगी आपकी, आप इस जॉब को लेने के बाद आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं अदर एवेन्यूज़ की। तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप कई एक ये भी चीज़ होती है कि जब आप अच्छा खासा टैक्सेशन सीख जाते हो तो या फिर जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो आपको खुद अप्रोच करती हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पर काम करिए एज अ टैक्स कंसल्टेंट, तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी सैलरी पोस्ट रिटायरमेंट भी मिल जाती है, तो आप ऑक्यूपाइड रहते हो रिटायरमेंट के बाद भी। फ्यूचर ऑफ द डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है इनकम टैक्स का, तो इस डिपार्टमेंट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल ट्रांसफ़र्स को बंद कर दिया गया है फॉर द टाइम बींग, बट आने वाले कुछ सालों में ट्रांसफ़र्स खोले भी जा सकते हैं। ट्रांसफ़र्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जोन टू जोन ट्रांसफ़र, ऐसे मानो कि आप चेन्नई में हो, चेन्नई से आपको दिल्ली आना है, तो इसे हम बोलते हैं जोन टू जोन ट्रांसफ़र, इसे फॉर द टाइम बींग बंद कर दिया गया है। बट जैसे आपको दिल्ली के अंदर ही कहीं और पोस्टिंग चाहिए तो वो आपकी अलाउड है, आप जैसे कानपुर जोन मिलता है तो आप कानपुर में, अगर पहले अगर आप देहरादून में पोस्टेड हो, देहरादून कानपुर जोन में आता है, तो आप देहरादून से चेंज होकर के आप प्रॉपर कानपुर में भी आ सकते हो थ्रू द एनुअल जनरल ट्रांसफ़र्स। तो ट्रांसफ़र्स की पॉलिसी ये रहती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बहुत बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, काफ़ी कम लोगों को वर्किंग के बारे में पता होता है इसमें क्या क्या रहता है। तो एज ए इंस्पेक्टर आपको आराम से 7 से 8 साल काम करना होगा, इसका मतलब आप लगभग आधा टाइम बिताओगे असेसमेंट में और आधा टाइम बिताओगे नॉन असेसमेंट में, ठीक है। तो आपको लगभग हर तरीके का काम यहाँ पर सीखने को मिलेगा, आप रेट्स पर भी जाओगे, आप ऑफिशियल काम भी करोगे, आप डेस्क पे बैठ के भी काम करोगे, ठीक है, ये बातें हो जाती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, हाँ, और कई लोगों म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पूछते हैं, तो ITI का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। आपको आपको पता है कि SSC की काफ़ी सारी पोस्टों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, बट SSC में वो ट्रांसफ़र ITI की पोस्ट पर वो ट्रांसफ़र नहीं है। जब आप एक बार ITO बन जाते हो तो फिर आपका ट्रांसफ़र वहाँ से म्यूचुअल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि लगभग मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, वो आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।